रामनवमी और रमजान को लेकर सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम। रामनवमी में शोभा यात्रा निकालने वालों को लेना होगा लाइसेंस। अश्लील या जाति विशेष गाने बजाने पर रहेगी पाबंदी। रामनवमी व रमजान को लेकर भागलपुर पुलिस पहले से सख्त है। इसको लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया, शहर के मुख्य चौक चौराहे व संवेदनशील इलाकों में मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी, साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल की भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा, शहर में रामनवमी को लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसको लेकर सभी जुलूस में पुलिस बलों की तैनाती रहेगी। वहीं उन्होंने कहा कि अश्लील जाति विशेष या धर्म विशेष गाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। अगर कहीं पर किसी तरह की सूचना मिली तो उसके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। शोभा यात्रा निकालने के लिए लेनी होगी लाइसेंस। एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि कोई भी रामनवमी के उपलक्ष्य पर शहर में शोभा यात्रा निकालते हैं तो उसे लाइसेंस लेना होगा। बिना लाइसेंस शोभा यात्रा निकालने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। जिस रूट से शोभा यात्रा गुजरेगी उसे भी आवेदन में दर्शना होगा, ताकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए। वहीं एसएसपी ने बताया कि रमजान में मुस्लिम समुदाय के लोग बाजारों में खरीदारी को आते हैं। शाम के समय में भीड़ अधिक रहती है, वहां पर विशेष बलों की तैनाती की जाएगी। वहीं शहर में बाइक सवार फोर्स भी गश्ती करते रहेंगे, ताकि किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो। रूट मैप किया जा रहा है तैयार। जुलूस निकालने के बाद शहर में पूरी तरह से जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसको लेकर रूट मैप तैयार किया जा रहा है। जुलूस वाले रूट में गाड़ी की आवाजाही पर रोक लगा दी जाएगी, ताकि बिना जाम में फंसे लोग निकल पाए। विवादित गाने बजने से पहले भी हो चुका है दो समुदायों में भिड़त। रामनवमी के जुलूस को लेकर पूर्व में भी विवाद हो चुका है। नाथनगर थाना क्षेत्र में दंगा भड़काने के मामले में केस भी दर्ज किया गया था। धर्म विशेष गाना बजाने को लेकर दंगा जैसी स्थिति बनी थी। इस बार प्रशासन इन सभी चीजों पर विशेष रूप से नजर बनाए रखेंगे, ताकि किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो। बीएनपी न्यूज के लिए भागलपुर से अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। रामनवमी है, रमजान पवित्र दोनों त्योहार है। अब आगामी कुछ दिनों में रमजान का पवित्र महीना स्टार्ट होने वाला है और चैत्र नवरात्रि भी स्टार्ट होगी। तो उसमें सभी थानों के द्वारा चैत्र नवरात्रि में जहाँ जहाँ पंडाल लगाए जा रहे हैं वहाँ पर लाइसेंसेस निर्गत किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी और रमजान के महीने में खासकर शाम को थोड़ा सा जो मुस्लिम बाहुल्य मोहल्ले हैं वहाँ पे आवाजाही बढ़ती है, लोग खरीदारी के लिए निकलते हैं, तो उस संदर्भ में हमारी जो मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग है वो स्पेशली वहाँ पर गश्ती करेगी। रामनवमी के जुलूस का जहाँ तक बात है तो हम लोग जो भी समिति है इसमें जो इस जुलूस को निकालती है और जिस रूट से वो लोग जाएंगे उस रूट का सत्यापन कर रहे हैं और उस रूट पे प्रॉपर बल और मजिस्ट्रेट की भी तैनाती होगी और प्रत्येक जुलूस का लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। बिना लाइसेंस के अगर कोई जुलूस निकलेगा तो उस पर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस हेडक्वार्टर का आदेश है, असील गाना क्या क्या गाना गाता है इस पर? ये तो मैंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही आपको बता दिया था। इसमें हमने सभी थाना अध्यक्षों को पत्र भी निर्गत किया है कि ऐसे कोई दृष्टांत अगर सामने आते हैं तो सुसंगत धाराओं में एफआईआर करके उनको कार्रवाई की जाए।